नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है आप सभी के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको थ्री फेज कंट्रोल पैनल के बारे में अवेयर करूंगा। पीछे दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये थ्री फेज कंट्रोल पैनल है, और अभी दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बैंक है, HDFC बैंक है। तो ये जो पैनल है ना, बैंक के लिए ही आया है, बैंक में ही इंस्टॉल होगा। ये जो पैनल का पूरा सेटअप है यहाँ पे, ये सुनील जी है। सुनील जी को आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में सुनील था मेरे साथ में। तो ये जो पैनल का इंस्टॉलेशन है ये सुनील ही करेगा, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से मैं और सुनील मिलके ये आपको यहाँ पे पैनल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पैनल है सुनील ही इससे पहले इंस्टॉल किया था, दूसरे वाला जो बैंक का साइट था वहाँ पे। तो आज भी यहाँ पे ये सुनील ही प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे दोस्तों ये पैनल है, किस किस के लिए है, कौन कौन सा सेटअप है, किस प्रकार इसका कनेक्शन होगा, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आगे वाली सभी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए, यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों पैनल है ये, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरे बाईपास चेंज ओवर स्विच है, ठीक है। मेन जो चेंज ओवर है दोस्तों वो यही है, सुनील यही है ना मेन चेंज ओवर यही है, ये मेन चेंज ओवर हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पे मास्टर स्विच कॉन्टेक्टर है, और ये वाला दोस्तों यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ऑटो ऑफ मैनुअल स्विच है, ठीक है। ऑटो ऑफ हो जाएगा और मैनुअल भी इसको आप चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन MCCB इनकमर। सुनील जी इसमें कौन सा आएगा? ये MCCB चेंज ओवर में आएगा मेन सप्लाई, जो पोल से आएगी। ये मेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस MCCB इनकमर। अभी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, चलिए यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल आउटगोइंग, और यहाँ पे मार्किंग है सब। टोटल पूरा जो सेटअप है दोस्तों 100 MPS से लेके 63 MPS तक का है यहाँ पे पूरा, ये जो मेन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें दोस्तों MCCB नहीं लगा हुआ है, अभी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे टोटल 3 MCCB लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। थ्री फेज सप्लाई को प्रॉपर डिवाइड किया जाएगा, लोड को प्रॉपर बैलेंस किया जाएगा, अनबैलेंस नहीं होता है इसका लोड। नीचे वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बीच वाला जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल आउटगोइंग, ठीक है। खोल के अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, चलिए खोल के मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ये वाला क्या है, ये केबल इले है, यहाँ पे देख सकते हैं केबल इले है, चलिए खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों जो कॉमन पैनल होता है अदर पैनल की तरह, यहाँ पे नहीं है कि बस बार दिया हुआ है मेन आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पे बैंक के हिसाब से जो प्लान डायग्राम दिया गया था पैनल वालों को, उसी हिसाब से यहाँ पे ये सब बना के रखे हैं, बिल्कुल रेडी है ना सुनील? एकदम रेडी है, केवल कनेक्टर में आपको कनेक्ट करना है। कनेक्टर में खाली ये जो कनेक्टर निकला हुआ है ये कहाँ से आया है? ये MCCB से आया है, MCCB से डिवाइड होकर टोटल कनेक्टर यहाँ पे आया हुआ है। वायर जो है ला के सिर्फ आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, जो भी इस बैंक में जितना भी DB है सबका, ठीक है। चलिए अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये वाला जो दिख रहा है। सुनील जी ये वाला मेन है ना, मेन स्विच चेंज ओवर, ये वाला मेन स्विच चेंज ओवर है। चलिए इसको मैं खोल दिया, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों HPL का जो है ना ये स्विच गियर लगा हुआ है। एक तरफ यहाँ पे DG है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, एक तरफ DG है और एक तरफ मेन्स है, और यहाँ पे ये लोड है, यही है ना? हाँ वो लोड है, और इधर ये लोड हो गया, DG है, मेंस है। ये वाला खोल के दिखाया मैं, HPL का दोस्तों ये स्विच गियर है। कितने का है? 100 MPS का, 100 MPS का, 100 MPS का है ये। उसके बाद देखिए मास्टर स्विच वाला जो सेक्शन है ये मैं खोलता हूँ, ये देखिए अब खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो दिख रहा है ना ये RCCB है, LNT का लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए ये जो LNT है दोस्तों ब्रांडेड है, काफ़ी बढ़िया है। ओवरलोड होता है या फिर कहीं पे दोस्तों हाइपर स्पार्किंग होगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये मेन ट्रिप होगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए पैनल दोस्तों काफ़ी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, LNT वालों ने बनाया है, LNT वालों ने बनाया है। और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे CT क्वायर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे CT और PT आता है, इसमें CT क्वायर डाल के दिया गया है। ये देखिए तीनों फेज में, थ्री फेज में RYB में और न्यूट्रल में ज़रूरत नहीं होती है ये CT और PT की। उसके बाद सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने पावर फैक्टर कैपेसिटर दिया हुआ है, देख सकते हैं किस ब्रांड का है, ज़रा मैं ये देखूँ। यहाँ पे एपकॉस का कैपेसिटर है, पावर फैक्टर कैपेसिटर थ्री फेज वाला, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सुनील जी यहाँ पे 10 kVAR का कैपेसिटर बैंक है यहाँ पे। उसके बाद अब ये वाला मैं दिखाता हूँ इधर से आपको, चलिए खोल के ही रख देता हूँ यार सुनील। अब देखिए यहाँ पे ये मेन MCCB इनकवर मैं खोल रहा हूँ, ये वाला मेन है, ठीक है।
ये देखिए मेन को इसको मैं खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ। चलिए मेन ये एलएनटी पैनल ये वाला खोल दिया। अब देखिए ये मेन एमसीसीबी इनकमर है। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए जो मेन सप्लाई आएगा ना, थ्री फेज सप्लाई जो सब मीटर से आएगा, यानी पोल से जो सप्लाई आएगा वो ये है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आर वाई बी, उसके बाद के से मार्किंग होता है ब्लैक वाला, न्यूट्रल न्यूट्रल हो गया, उसके बाद आर वाई बी थ्री फेज हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये जो तीनों दिख रहा है ना ये वाला, देखिए यहाँ पे डीजी कनेक्ट होगा, डीजी का जो सप्लाई है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसका अपोजिट होगा, उसमें अच्छा डीजी लगेगा, इसमें वो पोल से सप्लाई लगेगी। फिर से बोलना क्या? इसमें अपोजिट होगा, उसमें डीजी लगेगा और इसमें वो पोल से लगेगी, क्योंकि डीजी अच्छा। हमें ऑटो पे आएगी। हाँ हाँ। डीजी ऑटो पे आएगी तो मतलब उसको डीजी को ऑन ऑफ करने बंद करने जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए लाइट वो हमेशा चालू रहेगी, इसलिए डीजी उसमें कनेक्ट होगा और लाइट इसमें कनेक्ट होगा, चेंज ओवर हमें पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीजी ही ऑटो आएगी। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए सुनील ही प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये जो वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डीजी कनेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे मेन सप्लाई कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मेन एमसीसीबी है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये आउटपुट होके जा रहा है, इधर से ये इनपुट हो रहा है अपना और ये दोस्तों ये आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटी कॉइल डाला है तीनों फेज सप्लाई में। बैंक का पैनल है, काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये सब कनेक्शन किया गया है, सिटी कॉइल वगैरह सब लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी पैन अगर ये मान लीजिए देखिए ये ऑन है तो ये खुलेगा नहीं, इसलिए इसको ऑफ ही करना पड़ेगा। ये देखिए इसको मैं खोल दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एमसीबी लगा हुआ है और जो यहाँ पे बैंक वालों का डिमांड था उसी हिसाब से ये पैनल डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। यहाँ पे ये एमसीसीबी है, देख सकते हैं इसमें भी सिटी कॉइल डाला है, देखिए इधर भी है, यहाँ भी है, उसके बाद मेन में भी यहाँ पे जो मैं दिखाया था आरसीसीबी के पास, देखिए यहाँ भी सीटी कॉयल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एमसीसीबी लगा हुआ है, यहाँ पे मार्किंग है यूपीएस इनपुट, उसके बाद यहाँ पे है साइनेज साइनेज, फिर यहाँ पे है सर्वर एसी का स्पेयर का है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये नॉर्मल आउटगोइंग है, समझिए देखिए ये क्रिटिकल आउटगोइंग है, क्रिटिकल का मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम, सिंपल भाषा में समझिए ये मेन इनकमर होता है, ये क्रिटिकल आउटगोइंग है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये नॉर्मल आउटगोइंग है, समझ सकते हैं क्रिटिकल और नॉर्मल में अंतर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एल डी बी, फिर यहाँ पे पी डी बी, उसके बाद यहाँ पे स्पेयर है, तो ये एल डी बी पी डी बी क्या है, ये बैंक वालों का डिमांड होगा उसी हिसाब से यहाँ पे डीबी यहाँ पे तीन लगी है। हाँ। जो यू पी एस डी बी है तो ऊपर दी है और ये दो डीबी रहती है, एक एसी के लिए होती है और एक लाइट के लिए होती है। अच्छा। तो एल डी बी और पी डी बी यही है। ठीक है, सुनील ने बताया एल डी बी पी डी बी क्या है और दोस्तों प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैंक का वायरिंग दोस्तों पूरा कैसा होता है, एक एक हर पॉइंट का मैं जानकारी दूंगा, इसका भी वीडियो आएगा। ठीक है, इसका भी वीडियो आएगा कि दोस्तों यहाँ पे ये जो एल डी बी है पी डी बी है कहाँ पे फिक्स किया गया है, वायरिंग इसका बैंक का कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ भी सुनील प्रॉपर आपको बताएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिखा हुआ है 1.0 TR कैसेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1 टन का एसी है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 टन का है ना, 2 टन का है, फिर यहाँ भी दो टन का है, तो यहाँ पे दोस्तों ये डेढ़ का, ये एक का है। अच्छा, तो यहाँ पे सब एसी का दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ये डीबी का, शायद ये मेन डीबी के लिए है क्या, मेन डीबी के लिए दोनों, ये वाला मेन डीबी के लिए है, उसके बाद ये वाला एसी के लिए है। तो ये था क्रिटिकल आउटगोइंग, क्रिटिकल आउटगोइंग में दोस्तों यहाँ पे मेन यूपीएस के लिए जा रहा था, साइनेज के लिए जा रहा है, सर्वर एसी के लिए जा रहा है, सर्वर और फिर यह स्पेयर के लिए जा रहा है, उसके बाद ये क्रिटिकल था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना 10 kVAR APFC कंट्रोलिंग फीडर, ठीक है, उसके लिए जा रहा है सप्लाई। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर और एम्पियर दोनों दिखाएगा, यहाँ पे सनाइजर का है, ठीक है, देख सकते हैं सनाइजर का लोगो लगा हुआ है, सनाइजर ओरिजिनल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे VSS लिखा हुआ है, VSS मतलब वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है, ये तो ये जो है ना यहाँ पे ये जो स्विच दिख रहा है दोस्तों ये अलग है, ये जो है दोस्तों ये ऑन ऑफ के लिए दिया है, उसके बाद यहाँ पे ये फेज सेलेक्टर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BR, उसके बाद यहाँ पे RY लिखा हुआ है, फेज सेलेक्टर है, फेज अगर फेल होता होगा तो उसके लिए दिया है। ये देखिए एक MCCB यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, साथ में दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले भी यहाँ पे कनेक्ट है दोनों में, और ट्रिप करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ पुश करने के लिए स्विच है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 2 MCB दिया हुआ है, किस चीज़ के लिए पता नहीं, सुनील इसके बारे में, वो मास्टर स्विच के लिए दिया रहता है, मास्टर स्विच के लिए, जो वहाँ से मास्टर स्विच से हम प्रेस करेंगे सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, UPS की केवल चालू रहेगी।
केवल यूपीएस का। तो अभी दोस्तों यहाँ पे पैनल में यहाँ पे जितना भी कुछ था सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। कनेक्शन जब होगा दोस्तों इसका कनेक्शन भी सुनील ही करेगा, तो भी दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे होता है या फिर करने के बाद, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल पैनल के बारे में मुझे आपको अवेयर करना था तो मैं यहाँ पे बता दिया ये बैंक का कंट्रोल पैनल दोस्तों कैसा होता है। चलिए देखिए यहाँ पे सबको मैं बंद कर दिया। पैनल दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। हर बैंक में दोस्तों अलग अलग डिमांड होता है, जिस तरह से बैंक डिमांड करते हैं जो ऑर्डर कंपनी में जाता है उसी हिसाब से ये पैनल को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो पूरा हुआ, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये HDFC बैंक 3-phase कंट्रोल पैनल के बारे में अवेयर करना था, तो आज का वीडियो दोस्तों पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ ही आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली सभी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। फेसबुक पेज और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।